तो साथियों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल केबल सुन मशीन पे। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, ड्रिंक स्विच के साथ मैंने आपको 3 एक्स्ट्रा फुट का डेमो दिया था। आज मैं फिर आपको 3 फुट का डेमो दूंगा, जिसमें कि पहला फुट था आपका बाइंडर फुट। ये मैं ड्रिंक स्विच में चला के आपको दिखाऊंगा। बाइंडर फुट लगाने के लिए आपको सबसे पहले नॉर्मल जिगजैग फुट निकालना पड़ेगा। इसी में इजिली ये बाइंडर फुट लग जाएगा। बाइंडर फुट की स्ट्रिप लगाने के लिए ये स्ट्रिप आएगी, ये हम फुट के अंदर डालेंगे। इजली ये फुट के अंदर चली जाएगी। इस तरह से इसी में एक अदर कपड़ा लेंगे, जिसमें स्ट्रिप लगा ली होगी। ये नॉर्मल जिगजैग से आप इसमें लगा सकते हैं, सिर्फ पैटर्न आपको जिगजैग रखना पड़ेगा। और स्ट्रिप को इसके साथ कपड़े के रखें। ये कपड़े द्वारा पकड़ के इसको आराम से सीधा रखें। अब इसको निकाल, जिस तरह से इसमें एक स्ट्रिप कपड़े की लग जाएगी। बाजार में आपको रेडीमेड स्ट्रिप मिलती है, ये मैंने अभी नॉर्मल कपड़े को काट के बनाई है और फिनिशिंग से लगती है इसमें। थैंक यू। नेक्स्ट फुट जो है हमारा रफलर फुट है, जो कि ड्रीम स्ट्रिप में आपको चलाने के लिए बताऊंगा। उसके लिए आपको सबसे पहले ये स्नैप ऑन होल्डर निकालना पड़ेगा, स्क्रू लूज करके। लूज करने के बाद इसका यह वाला पार्ट इस होल्डर के अंदर जाएगा। ध्यान रहे ये वाला क्लैम ये निडल बार के अंदर जाएगा। कुछ इस तरह आपको फुट देखेगा, जो निडल बार के अंदर ये वाला पार्ट गया है इसका, इस तरह से ये फुट लग जाएगा। ध्यान से देखें, फुट पे नंबरिंग दे रखी है कि आपको कितने स्टिच के बाद प्लेट चाहिए। 1 स्टिच के बाद, 6 स्टिच के बाद, ये 12 स्टिच के बाद। ये स्टार जो आप देख रहे हैं, ये आपको फुट चेक करने के लिए, फुट अपना काम कर रहा है कि नहीं। तो पहले हम बनाएंगे 1 स्टिच के बाद। फुट के अंदर बीच में कपड़ा लगाया, ध्यान से देखें मैंने कपड़ा का किस साइड लगा रखा है। इसके ऊपर रहेगा और इसके नीचे अंदर, पूरा अंदर तक स्टिच हम नॉर्मली लेंगे बी पे। ये देखें कितना प्यारा एक एक प्लेट आया है इसमें। अब इसमें 6 स्टिच के बाद प्लेट चेक करते हैं। ये देखें 6 स्टिच के बाद ये प्लेट रहे हैं। नेक्स्ट फुट है हमारा 3 वे कोडिंग। 3 वे कोडिंग के लिए हमें इसके लिए 3 डिफरेंट कलर के धागे चाहिए होंगे।
3-way कोडिंग का फुट इसमें इजीली स्नैप ऑन करके लग जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें तीनों के एंकर धागे मैंने इसमें लगा दिए फुट में, और उसमें हम ये स्टिच रखेंगे जी पैटर्न। 3-way कोडिंग में जी पैटर्न चलेगा ताकि डिफरेंट डिफरेंट जो एंकर के धागे हैं इजीली इसमें अलग अलग स्टिच हो। ये देखें तीनों व्हाइट कलर के धागे लिए हैं, ये जैसे डिफरेंट डिफरेंट स्टिच हुए हैं इसी तरह से इसमें ये पैटर्न बनेगा। आज के वीडियो में लास्ट फुट था ये, और आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू अपडेट मिलते रहें और मशीन के रिगार्डिंग। थैंक यू।